दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वो हमें जिंदगी के सबसे अच्छे काम सिखाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इंसान ने एक ऐसी भी किताब पढ़ी जिसने ना सिर्फ बहुत से राज खोल दिए, बल्कि गुरुद्वारा के नीचे कुएं में 65 साल से दफन 282 क्रांतिकारियों की मौत से पर्दा भी उठा दिया। तो क्या थी ये कहानी, कौन सी किताब थी वो, और कैसे इतना बड़ा राज इसने खोल दिया, चलिए जानते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानकर एक बार फिर से हमें अंग्रेजी शासन पर गुस्सा आ जाएगा। ना सिर्फ गुस्सा, बल्कि उन अंग्रेजों की इस हरकत पर खून खौल उठेगा। और ये खून का खौलना लाजमी भी है, क्योंकि इसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 282 सैनिकों को या तो गोली मारी गई या फिर उन्हें जिंदा ही एक कुएं में दफना दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी थी, जिसमें लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। जलियांवाला कुएं से 120 लोगों के शव निकाले गए थे, उस गहरे जख्म के निशानात भी हैं। ये घटना भी उसी तरह की भयावह और दिल को झकझोर देने वाली है। इन 282 सैनिकों की मौत वाली घटना में जिस कुएं में इन्हें दफनाया गया, उस कुएं को ऊपर से बंद कर बाकायदा उस पर गुरुद्वारा बना दिया गया। इस कुएं को कालियांवाला कहते हैं। अब इस कालियांवाला कुएं का ये राज हमेशा के लिए उसी गहरे कुएं में दफन हो गया होता, अगर वो किताब एक भारतीय के हाथ न लगी होती। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 के आसपास। अमृतसर के इतिहासकार और रिसर्चर सुरेंद्र कोचर इतिहास को खंगालते हुए अंग्रेजी शासन की किताबों को पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक किताब पढ़ते हुए उनके हाथ कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। वो खुद कई इतिहास से जुड़े थे, लेकिन इतिहास में दफन इस राज को पढ़ते हुए उनकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए, क्योंकि ये घटना कुछ ऐसी ही थी। दरअसल 1857 में पंजाब के अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर रह चुके फ्रेडरिक हेनरी कूपर की किताब सुरेंद्र कोचर के हाथ लगी थी। उस किताब का नाम था क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10 मई अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली। इस किताब में यह बताया गया कि जिस 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने हमारी ताकतवर अंग्रेजी सेना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस सेना में कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से कई इलाकों में भारतीय आक्रमक हो गए थे। लेकिन उन गद्दारों को किस तरह से अंग्रेजी सेना ने न सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि ऐसा सबक सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इसी को बताते हुए ये भी लिखा था उन्होंने कि उस समय के पंजाब के मियां मीर इलाके में तैनात बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने भी बंगाल से शुरू हुए 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। ये मियां मीर अब पाकिस्तान में है। उसी मियां मीर से 500 सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ वो गद्दार उन सैनिकों को बोल रहे थे जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, यानी वो क्रांतिकारियों को गद्दार बता रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि उन 500 सैनिकों की वो टुकड़ी रावी नदी के तट पर पहुंच गई। ये वाकया 31 जुलाई से 1 अगस्त 1857 के बीच का है। अब रावी नदी तक इन सैनिकों के पहुंचने में कुछ गद्दारों ने उनका साथ दिया था। अब कूपर ने किताब में ये भी लिखा है कि अब इसकी खबर मिली तो अंग्रेजों ने हिम्मत दिखाते हुए 500 में से 218 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि बचे हुए 282 सैनिकों को गिरफ्तार कर अमृतसर के अजनाला ले जाया गया। उसी अजनाला जगह पर 282 सैनिकों को खड़ा कर दिया गया। इनमें से 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाकी बचे 45 सैनिकों को वहां के कुएं में जिंदा ही फेंक दिया गया, जिसके बाद जिन 237 भारतीय सैनिकों को गोली मारी गई थी उनकी डेड बॉडी को भी उसी कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद उस पर मिट्टी और चूना डालकर कुएं को बंद कर दिया गया, जिससे सभी 282 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद उसी समय इस राज को दफनाने के लिए कुएं के ऊपर ही एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया। अब चूंकि गुरुद्वारा धर्म से जुड़ा और भारत में धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ करना एक तरह से असंभव है, अब ये घटना जानने के बाद जाहिर है कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि अभी तो हम जलियांवाला बाग कांड को याद करके सिहर जाते थे। ऐसे में पंजाब के अजनाला में कालियांवाला खून यानी कुआं की असलियत जानकर वाकई में खून खौल उठेगा। इसके बाद सुरेंद्र उसी गुरुद्वारे पर आते हैं,
जहां के कुएं में उन 282 क्रांतिकारियों को दफनाया गया था। अमृतसर के पास अजनाला के इस गुरुद्वारे का नाम है शहीद गंज गुरुद्वारा। अब सवाल ये था कि जहां गुरुद्वारा है उसी जगह कुएं में सैकड़ों शहीद क्रांतिकारियों को दफनाया गया है। अब मामला धर्म से जुड़ा था कि आखिर कैसे यहां से गुरुद्वारे को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि धर्म से जुड़े होने के कारण लोगों की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन इस तरह की जानकारी पहले से ही पुराने लोगों को थी, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। ऐसे में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी, उस किताब को भी दिखाया, जिसके बाद उस वक्त के पंजाब कल्चरल अफेयर्स म्यूजियम और आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर नवजोत रंधावा, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रवि भगत भी सुरिंदर कोचर के साथ गुरुद्वारा कमेटी से बात करने गए, तो इस बात पर सहमति बन गई। ये बात तय हुई कि गुरुद्वारे को शिफ्ट किया जाएगा और खुदाई की जाएगी, जिससे पूरा सच सामने आ सकेगा। अब गुरुद्वारा कमेटी ने उस जानकारी के बाद पहले दूसरे स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण शुरू कर दिया। फिर जनवरी 2014 में पहले उस नए गुरुद्वारे का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 28 फरवरी 2014 से कालियावाला कुएं वाले स्थान पर गुरुद्वारे की खुदाई शुरू हो गई। अब खुदाई के दौरान वो कुआं भी मिल गया जिसका उस अंग्रेज फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने जिक्र किया था। उस कुएं की खुदाई हुई तो पूरा का पूरा वो नर कंकाल से भरा हुआ था। उस समय खुदाई के दौरान कुएं से 246 पुरुषों के नर कंकाल मिले थे। उस कुएं से इंसानी जबड़े, दांतों, शरीर की अलग अलग जगहों की हड्डियों के साथ सिक्के, ज्वेलरी और मेडल भी मिले थे। इस दौरान कुएं से कुल 9,646 दांतों के सैंपल मिले। इससे लेकर दावा किया जाता है कि ये दुनिया में किसी सिंगल आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले दांतों के सैंपल में अब तक का सबसे ज्यादा है। जब कुएं से भारी संख्या में नर कंकाल निकाले गए तब ये रिसर्चर ने अलग अलग राय दी। कई रिसर्चर ने उस समय दावा किया कि ये उन लोगों की लाशें हैं जो 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान मारे गए और कुएं में दफना दिए गए, तो कुछ 1857 की क्रांति वाली बात को ही सही मान रहे थे। इसलिए 2014 से शुरू हुई रिसर्च के 8 साल बाद अब पूरा सच सामने आया है। अब 28 अप्रैल 2022 को स्विट्जरलैंड के जर्नल फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में जो कुछ आया उसे जानकर अंग्रेज फ्रेडरिक हेनरी के किताब में किया गया दावा ही सच साबित हुआ। इसकी जांच में पता चला कि कुएं में मिले मानव कंकाल पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नहीं थे, बल्कि उनके डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते थे। इसके अलावा स्केलेटन्स का जो पैटर्न है वो पंजाब या पाकिस्तान एरिया में मिलने वाले इंसानों से अलग है। रिसर्च में ये भी पता चला कि मरने वाले लोगों की उम्र करीब 21 से 49 साल के बीच थी, यानी सभी की औसत उम्र करीब 33 साल रही होगी। इसके अलावा कुएं से मिली ज्वेलरी, सिक्कों और मेडल्स की भी जांच की गई, जिसमें पता चला कि सिक्के क्वीन विक्टोरिया के थे जो 1799, 1806, 1841 और 1853 में बने थे। इन सभी रिसर्च में साफ हो गया कि ये हमारे देश के 1857 की क्रांति के ही शहीद सैनिक हैं, जिनके बारे में साक्ष्यों के साथ करीब 165 साल बाद अप्रैल 2022 में हमें जानकारी मिल पाई। आपको क्या लगता है, अगर वो किताब नहीं पढ़ी जाती तो क्या कभी ये राज सामने आ पाता? हमें कमेंट में बताइए ना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और